दोस्तों, जब भी मौसम चेंज होता है तो सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि तो होता ही है, और एक समस्या आता है लोगों में जो ज़्यादातर देखने को मिलती है। जी हाँ, वो होता है आपकी पेट की समस्या। पेट में आपको गैस बनना, दस्त आना, उल्टी आना, पेट में अपच रहना, भोजन का ना पचना, पेट फूलना इत्यादि कुछ ऐसी लक्षण होती है जो आपको मौसम चेंज होने के समय होती है। मौसम चेंज, जैसे आपको सर्दी से गर्मी की तरफ जब मौसम जा रहा होता है, या मौसम जब गर्मी से सर्दी की तरफ या सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे में बहुत से लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसा स्थिति होने पर हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि मार्च अप्रैल के समय में ज़्यादातर लोगों में पेट की समस्या देखी जाती है। उनमें पेट में गैस बनना, उल्टी होना, डकारी रहना, भोजन का ना पचना, पेट में दर्द का रहना इत्यादि, ये कुछ आम लक्षण होती है जो लगभग हर किसी को हो ही जाती है। तो ऐसा स्थिति होने पर हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसा स्थिति होने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहता है, पानी की कमी नहीं होता है। ज़्यादा पानी पीने से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है और हमारे शरीर इससे बहुत से रोगों से बचा रहता है। दूसरा, नारियल का पानी हो सके तो पिए, इलेक्ट्रॉल ORS के घोल बनाकर भी पिया करें। ये सब हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखती है और हमें सीरियस कंडीशन जैसी समस्या नहीं आती है। और खाने पीने में भी आपको परहेज करना है। जैसे आपको इस टाइम में ज़्यादा मिर्च मसाला, ज़्यादा नॉन वेज का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। जितना हो सके आप हरा सब्जी खाएं, दलिया खाएं, पतला खिचड़ी बनाकर खाएं। ये से हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेशन होती है और इससे हम हेल्दी रहते हैं। मेडिसिन की बात करें तो जब भी आपको पेट में दस्त हो रहा हो तो उस समय आपको नॉरफ्लॉक्स टीजर टैबलेट का प्रयोग करना है। साथ में आप लेमोफेन टैबलेट भी ले सकते हैं। एक गोली लेमोफेन और एक गोली नॉरफ्लॉक्स टीजर की आप एक एक गोली सुबह शाम करके कम से कम 3 दिनों तक खाएं। अगर आपको पेट में दर्द भी हो रहा है तो आप कोलीमैक्स टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। कोलीमैक्स टैबलेट का प्रयोग आप सुबह शाम कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर उल्टी भी आ रही हो तो उल्टी के लिए आप ओंडेम MD4 टैबलेट को अपने मुंह में कुछ देर के रख कर उसके बाद 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में यह समस्या बहुत सीरियस हो जाती है। 2-4 टॉयलेट का होना आम बात होती है, बट यह टॉयलेट अगर 10 से 15 बार या इससे ज़्यादा होने लगे तो समझिए आपकी डायरिया की स्थिति हो गई है। ऐसा स्थिति होने पर तुरंत ही आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले और डॉक्टर आपको स्लाइनिंग के माध्यम से, यानी आपके IV के द्वारा पानी चढ़ाया जाता है, उसमें RL, DNS इत्यादि मेडिसिन होता है जो आपके पेट के इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। दोस्तों, आज के छोटा सा वीडियो आपको आशा करता हूँ ज़रूर हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।